हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल। और बताइए आप लोग कैसे हैं। आई होप आप लोग ठीक होंगे, हम भी ठीक हैं। और ये है सुबह का टाइम, क्योंकि मतलब पूरा घर साफ करना था। ये सोफ़ा बहुत गंदा हो गया था, बहुत दिन से नहीं साफ किए थे। मतलब बारिश की टाइम जितनी थी वो बारिश के टाइम में भी नहीं साफ किए थे। और टेबल के अंदर तो मतलब कांच के अंदर मिट्टी घुस गई थी, तो उसको भी साफ करना था। तो यही भैया बोले चलो मैं कांच निकाल देता हूँ और इसको भी साफ कर लो। तो वो सोफ़ा बाहर निकाल के रख दिए और मतलब कांच वाच निकाल दिए थे। बोले कि जब तक मैं नहा मार रहा हूँ तब तक तुम साफ़ कर लो, उसके बाद में मैं लगा दे रहा हूँ। और ये मतलब पूरा साफ कर रही थी सोफ़ा। ये सोफ़ा था, सोफ़े की सीट अलग है और ये अलग है। तो मैं पूरा साफ की एकदम सुबह सुबह सिर्फ चाय पिए थे और चाय पीने के बाद में मैंने कुछ नहीं खाया था। और मतलब सोफ़ा साफ की, बरामदा साफ की, झाड़ू पोछा, बहुत काम था आज मुझे। मतलब वैसे अब बारिश ख़त्म हो गई है तो ठंडक आ गई है, तो मतलब ये चीज़ है कि जिस दिन धूप होती है उस दिन साफ कर लेते हैं। और बारिश में यही रहता है कि चलो बाहर निकाल के साफ कर रहे हैं तो बारिश आ गई है, फिर दुनिया की परेशानी होती है। और ठंडी गर्मी में ये चीज़ की दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि ठंडी है तो भाई ठंडी है, कोई बात नहीं। और गर्मी है तो चलो हाँ फैन चल रहा है, हवा चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। बारिश में दिक्कत होती है। तो मैंने आज इसको साफ़ किया और साफ़ करने के बाद में सब कुछ सेट कर दी थी। ये भैया हमारे ऊपर कांच लगा के चले गए थे और नीचे साफ़ कर रही थी, क्योंकि उनको जाना भी था मेडिकल। तो हम सोचे कि जल्दी से कर देंगे, मतलब वो सेट कर दें उसके बाद में जाएँ। तो ये कांच सेट कर दिए थे और हम साफ़ कर रहे थे, अभी वो ब्रश कर रहे थे और मैं इसको सेट मतलब साफ वाफ करके क्लीन थी। और काम मुझे बहुत था, दीदी खाना बना रही थी और हम ये कर रहे थे। भगवान राम राम, ये भगवान। ये सिंगल सीट होती है वो है, उसको भी साफ करना था। और पापा भी बोल रहे थे कि मतलब साफ कर दो सब कुछ बाहर का, क्योंकि गंदा पड़ा हुआ है, ऐसे अच्छा नहीं लग रहा है, इसको साफ कर दो। तो मतलब वैसे भी साफ़ सफाई सबको अच्छी लगती है, मुझे भी अच्छा लगता है, हर किसी को घर साफ रखना अच्छा लगता है। तो साफ कर रहे थे भगवान। भी हो गया था तो मतलब वैसे कोई ठंडी नहीं थी, और भी इतना ठंडक पड़ भी नहीं रहा है, कोई दिक्कत नहीं है ठंडी की कि हाँ चलो बहुत ज़्यादा ठंडक है तो सुबह सुबह नहीं कर सकते। मतलब होता है हल्का फुल्का ठंडी होती है तो फिर सही हो जाता है, धूप हो जाता है, मतलब लेटेस्ट 7 बजे तक धूप हो जाती है यहाँ भी। और ये मतलब वीडियो है शायद 8 के करीब, क्योंकि भैया सो के उठ गए थे। तो भैया हमारे हैं वो 8 बजे के पहले सो के उठेंगे नहीं, तो ये इसीलिए दीदी कहती हैं जब तक सोए हैं तब तक बेहतर है, क्योंकि जब वो उठ जाते हैं तो एक काम है तो समझो 4 काम बढ़ गया उनका। ये काम रहता है 2 घंटा बैठ के बतियाएंगे तब उनका कहीं काम होगा। और इसीलिए आप लोग वीडियो देखिए, मैं थोड़ी देर के लिए म्यूजिक लगा रही हूँ।